होप आपको हमारी प्रीवियस रेसिपीज पसंद आई होंगी। आज हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं भरवे दाल करेले। भरवे दाल करेले आपने घर में आसान तरीके से किस तरह तैयार करने हैं, सबसे पहले हमने हरी चटनी लेनी है एक कप, धनिया पुदीना और हरी मिर्ची को हमने ग्राइंड कर लेना है। उसमें हमने डेढ़ चम्मच लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून आपने नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी को शामिल कर देना है। अब करेलों की तैयारी के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, आपने 3 अदद प्याज लेना है, उनको स्लाइस में कट कर लेना है। 5 से 6 अदद यानी हमने 5 अदद लिए हैं टमाटर, उसको हमने स्लाइस में कट कर लिया है। करेले आपने इसमें लेने हैं, ये देखें करेलों को आपने अंदर से बीज निकाल लेना इनका और इस तरह से इसको कट कर लेना है इस तरह से। इसमें हमने 1 कप घी का इस्तेमाल करना है और मसाला, हरा मसाला जो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि आपने हरे मसाले की चटनी को किस तरह से तैयार करना है। मोस्टली लोग शिकायत करते हैं कि इनके करेलों में कड़वाहट रह जाती है, आपने क्या करना है करेलों को काटना है, उनको नमक लगाना है, 1 से 1.5 चम्मच उनको नमक लगाना है और उसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। जब आप 1 घंटे बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से पानी से, खुले पानी से इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। इससे आपके जो करेलों की कड़वाहट होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब हमने एक पतीला रखा है, उसमें हमने 1 कप घी को शामिल कर दिया, इस तरह से इसमें 1 कप घी को शामिल कर देना है। अब हम इसमें प्याज को शामिल कर देंगे, जो हमने प्याज को स्लाइस में काटा था इसमें शामिल कर देंगे इस तरह। प्याज को हमने इसमें शामिल कर दिया, इसको हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसको सॉफ्ट करना है हमने। ये देखें इस तरह से आपने प्याज को सॉफ्ट करना है। जब आपका प्याज सॉफ्ट हो जाएगा फिर आपने इसमें टमाटरों को शामिल करना है। 5 अदर टमाटर हमने स्लाइस में काटे थे, इसको हमने अब इसमें शामिल कर दिया, इसको भी सॉफ्ट करेंगे। ये देखना, जब हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम हरे मसाले वाला जो मसाला था इसमें शामिल कर देंगे, चटनी वाला मसाला इसमें शामिल कर देंगे। उस तरह से आपने यही मसाला करेलों में लगाना है, जो मसाला का बच जाएगा आपने उसको वेस्ट नहीं करना, उसको आपने इसमें शामिल कर देना अपने मसाले में। ये देखिए हमारे मसाले की भुनाई हो गई है, अब हम इसमें 1 कप पानी को शामिल कर देंगे। इस तरह से हमने 1 कप पानी को शामिल कर देना। ये देखें इस तरह से आपने करेला लेना है और जो हमने मसाला तैयार किया था हरी चटनी का इसमें हमने फिल करना है। ये देखें इस तरह से हम इसको फिल करेंगे, इस तरह से आपने लगाना है। ये देखें इस तरह से आपने इसको फिल करना है और फिर आपने जब ये आपने फिल कर लेना आपने सारे करेलों को फ्राई करना है। अब हम करेलों को फ्राई करेंगे, हमने एक पैन लिया है उसमें हमने तकरीबन 1.5 कप घी को शामिल कर दिया। अब हम इसमें करेलों को शामिल कर देंगे, इस तरह से आपने इसमें करेले शामिल कर देना है और इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि आपके करेले गल जाएँ। ये देखें आपके करेलों का जब इस तरह का ब्राउन कलर हो जाएगा फिर आपने इसको हांडी में शामिल कर देना है, जो हमने मसाला तैयार किया था उसमें आपने इसको शामिल कर देना है। ये देखें ये जो आपने मसाला तैयार किया था अब हम इसमें करेलों को शामिल कर देंगे। ये देखें इस तरह से हमने इसमें करेलों को शामिल कर देना है और मिक्स करेंगे इसको। ये देखें हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, अब हम इसमें थोड़े से ऑयल को शामिल कर देंगे, इस तरह से ऑयल को हमने इसमें शामिल कर दिया। ये देखें अब साथ ही हम इसमें 1/4 कप पानी को शामिल कर देंगे, ये हमने पानी को शामिल कर दिया। अब हम इसको लो फ्लेम में कवर करके रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। हमने हाफ कप दाल ली थी, उसको हमने 1-2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और उसको बॉईल कर लिया था। जब आपकी दाल फुल डन हो जाएगी आपने उसको स्ट्रेन कर लेना है और इस तरह की आपकी दाल होनी चाहिए, खड़ी खड़ी नरम नहीं होनी चाहिए। उसको हमने स्ट्रेन कर लिया, स्ट्रेन करने के बाद जब हमारे करेले फुल डन हो गए थे हमने इसमें दाल को इस तरह से शामिल कर देना है। इस तरह से हमने दाल को शामिल कर दिया, शामिल करने के बाद ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, आप ज़रूर इसको घर में ट्राई करेंगे। ये देखें हमारी दाल बिल्कुल तैयार है, अब हम इसकी सर्विंग करेंगे। ये देखें इस तरह से आपने इसकी सर्विंग करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको भरवे दाल करेले किस तरह लगे। मेरे तो मुंह में पानी आ गया, आई होप आपके मुंह में भी पानी ज़रूर आया होगा। आप इसको घर में ज़रूर तैयार करेंगे, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करेंगे, हमारे चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट करके हमको बताएंगे कि आपको भरवे दाल करेले किस तरह लगे। नेक्स्ट टाइम हम न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।